गुरु जी की और वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। हिमालय के गोद से यमुना नदी शिवालिक पहाड़ियों से बहती हुई जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती को हरा भरा कर देती है। उत्तर दिल्ली की ओर एक ऊंचा टीला था जिस पर एक साधु मजनू रहते थे। उन्हीं के नाम पर उस टीले का नाम मजनू का टीला पड़ा। उस टीले के साथ से यमुना नदी गुजरती थी जिसके कारण आसपास हरियाली थी। पानीपत की यात्रा के पश्चात जब गुरु नानक जी और भाई मर्दाना उस टीले से गुजरे तो वहाँ की सुंदरता को देखकर भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी कितना सुंदर दृश्य है, ऐसा लगता है मानो कि हम देव भूमि पर आ गए हों, क्यों ना हम कुछ दिन यहाँ पर आराम कर लें। गुरुजी ने भाई मर्दाना के आग्रह को मान लिया। वहीं पास में एक आदमी रहता था। जब उसे यह पता चला कि कोई महापुरुष उस टीले पर आए हैं तो वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा, आप लोगों जैसे महापुरुष यहाँ पर पधारे, यह धरती पावन हो गई। गुरुजी बोले, क्या करते हो तुम लोग? सुल्तान इब्राहिम लोदी के इस टीले पर कई हाथी हैं, उनमें से एक हाथी की सेवा करता हूँ, मेरा और मेरी पत्नी का यही काम है। उसकी पत्नी ने कहा, मैं आप दोनों के लिए भोजन लाती हूँ, आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ईश्वर भला करे। इसके पश्चात वह दोनों वहां से चले गए। गुरुजी और भाई मर्दाना ने रात के भोजन करने के पश्चात आराम किया। अगली सुबह भाई मर्दाना भजन करने लगे। ओ भजलो भजलो भजलो, ओ भजलो गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, बनेंगे सारे तेरे भाई, भीड़ हुए हैं काम, भजलो गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले हैं इंसान, भजलो गुरु का नाम, गुरु का नाम, गुरु का नाम। इतने में जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। गुरुजी ने मर्दाना से पूछा, मर्दाना क्या हुआ, यह कौन रो रहा है? अभी देखता हूँ गुरुजी। वापस आकर मर्दाना ने सारी बात गुरुजी को बताई। गुरुजी भी तुरंत मर्दाना के साथ उस स्थान के लिए निकल पड़े। गुरुजी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? गुरुजी, सुल्तान इब्राहिम लोदी का हाथी मर गया। एक दिन मरना तो सबने है, और सुल्तान लोदी तो दूसरा हाथी खरीद लेंगे, भला उन्हें पैसे की क्या कमी। गुरुजी आप सही कह रहे हैं, परंतु हमारे ऊपर यह आरोप भी तो लग सकता है कि हमने हाथी का पालन पोषण सही नहीं किया, और मान लो आरोप ना भी लगे तो अब ये बताएं कि इसका क्या भरोसा कि जो नया हाथी आएगा उसकी सेवा के लिए हमें ही रखा जाएगा, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे गुरुजी। गुरुजी का कोमल हृदय उनका दुख देखकर बहुत दुखी हुआ। गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारा हाथी जिंदा हो जाए तो क्या तुम रोना बंद कर दोगे? गुरुजी तब तो हम हंसेंगे, खुशियां मनाएंगे, पर ओ महापुरुष मुझे यह बताओ कि मरकर वापिस कौन आता है? तभी गुरुजी बोले, वह भगवान है जो हमें जिंदगी देता है, और वह भगवान ही है जो जिंदगी ले सकता है। गुरुजी आप संत हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, हमारे परिवार का दुख दूर करो गुरुजी, दुख दूर करो। गुरुजी बोले, इसके माथे को सहलाओ और इसके कान में बोलो, हे ईश्वर। गुरुजी ने जैसा कहा था महावत ने वैसा ही किया।
उसने हाथी के सर पर अपने हाथों से सहलाया और बोला, हे ईश्वर। हाथी एकदम खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आसपास खड़े सभी लोग हैरान हो गए। गुरुजी ने हाथी को जिंदा कर दिया। यह बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। दूसरी ओर राजा को हाथी के मरने की पुष्टि पहले से ही जानवरों के वैद्य ने कर दी थी। राजा के सिपाही ने राजा से कहा, सुल्तान की जय हो, सुल्तान की जय हो, सुल्तान आपका प्रिय हाथी एक दिव्य संत ने जिंदा कर दिया है। कैसी बातें करते हो, मर कर कोई वापिस आ सकता है क्या? राजा ने अपने दो सिपाही और वैद्य को महावत के घर भेजा। सुल्तान, खबर बिल्कुल सही है, मरा हुआ हाथी वाकई जिंदा हो गया है। क्या बात करते हो, मैं खुद जाऊंगा और यह देखूंगा कि ऐसा कौन सा संत है जिसने मेरे मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया है। ओ महापुरुष, आपका हमारे नगर में स्वागत है, पर मेरा दिल यह बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आपने एक मरे हुए हाथी को जिंदा कर दिया है। क्या यह बात सच है कि आपने इस मरे हुए हाथी को जिंदा किया है? ईश्वर ही जिंदगी देता है और ईश्वर ही जिंदगी लेता है, सुल्तान ने कहा। ओ फकीर, मैं आपकी बात नहीं समझा हूँ। कौन मरेगा और जीवित रहेगा, इसका फैसला सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं, और किसी में यह शक्ति नहीं है जो किसी को जीवित कर सके या मार सके। तो आपने इसे जीवित कैसे किया? इंसान जब सच्चे मन से ईश्वर से मांगते हैं तो ईश्वर उनकी पुकार सुन लेते हैं और उस कार्य को पूर्ण कर देते हैं। ईश्वर ने इस हाथी पर दया करनी थी तो उन्होंने वह दया कर दी। इंसान तो सिर्फ मांग सकता है, दया करना या ना करना उस ईश्वर के हाथ में है। तो क्या अगर आप फिर से सच्चे मन से भगवान से यह मांगेंगे कि यह दोबारा मर जाए तो क्या यह मर जाएगा? हम तो सिर्फ ईश्वर से मांग सकते हैं, करना या ना करना उस ईश्वर के हाथ में है। इसके पश्चात गुरुजी ने ईश्वर का सिमरन शुरू किया। परम पिता परमेश्वर ही हैं जो मार सकते हैं और जीवित कर सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। उनके बोलने के तुरंत पश्चात हाथी बेजान होकर नीचे गिर गया। हाथी मर चुका था। होश संभालकर सुल्तान बोले, ओ महापुरुष, आपने तो वाकई ही कमाल कर दिया, पहले हाथी को जिंदा किया और उसके पश्चात अपनी फरियाद करके उसे मार दिया। वाकई आपने एक बहुत ही कमाल काम किया है, मैं हैरत में हूँ, ऐसा कुछ मैंने कभी पहले नहीं देखा है, परंतु अब आप इसे वापस से जिंदा कर दीजिए। सुल्तान, अब यह मुमकिन नहीं है, तुम्हारा हाथी जिंदा नहीं हो सकता। जब यह मरने के पश्चात आपने जिंदा कर दिया और जिंदा को मार दिया तो अब आप इसे दोबारा से जिंदा क्यों नहीं कर सकते? मैंने ईश्वर का सिमरन किया, उससे कुछ मांगा, यह मेरी प्रार्थना थी और ईश्वर की दया। ईश्वर ने मेरी बात सुनकर मुझ पर दया की, पर अब मुझे उनके फैसले का आदर करना चाहिए। मैं समझा नहीं। सुल्तान, लोहा लोहा होता है, वह आग नहीं होता। अगर तुम उसे आग में डाल दोगे तो वह तप कर लाल हो जाएगा। कोई इंसान तपते हुए लोहे को क्षण भर भी हाथ पर नहीं रख सकता। अगर वह उसे हाथ में ले लेगा तो उसका हाथ जलना निश्चित है, पर कुछ क्षण के लिए आग को बिना जले हुए हाथ पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार संत भी ईश्वर की भक्ति में रमे होते हैं। जब ईश्वर कोई फैसला लेता है तो वह ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, याचना कर सकते हैं कि उसे वह बदल दें, परंतु ईश्वर उसे नहीं बदल सकते जो संत ने किया है। यह बात सुनकर सुल्तान ने उस परिवार को एक नया हाथी दिलवा दिया और गुरुजी अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाने आगे की ओर चल दिए।